स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एम टेक हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब भी कोई केबल खरीदने जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि वो केबल ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है या फिर कोई अच्छी क्वालिटी का है। वो कैसे पता लगाएंगे आप कि वो केबल आपके मोबाइल के लिए सही है या फिर नहीं है। अगर आप ओरिजिनल खरीदते हैं तो बेटर है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का खरीदते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में अच्छी क्वालिटी का है या फिर कोई सस्ता सा केबल आपको महंगे दाम में का दिया। क्योंकि दोस्तों मार्केट में अलग अलग क्वालिटी पे कई सारे केबल्स मिलते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि इनमें से कौन से केबल हमारे मोबाइल के लिए अच्छा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एंड्रॉइड ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल के लिए कौन सा डेटा केबल सही है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो हमारा मिस ना करें। तो चलिए बिना टाइम पास किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं मैंने अपना चार्जर का सेटअप यहां पर कर लिया है और आप देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे केबल भी है और चार्जर भी है। तो दोस्तों इनमें से हम ट्राई करके देखेंगे कि कौन सा केबल हमारे मोबाइल के लिए सही है और कौन सा नहीं। तो चलिए एक एक करके हम केबल को चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर हमने पहला केबल जो है अटैच कर दिया है और आप देख सकते हैं इनकी स्पीड जो वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 से 1800 के बीच की स्पीड यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है जो कि बिल्कुल सही है। तो ये केबल बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों अब ट्राई करते हैं हम दूसरे केबल की। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों 1900 की स्पीड मिल रही है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये 1.5 से 2 एम्पियर का एक चार्जर है। तो यहाँ पर जो स्पीड हमें मिल रही है वो बिल्कुल सही मिल रही है। वो 2.5 एम्पियर का था तो वहाँ पर आपको 2000 की स्पीड मिल रही थी, तो बिल्कुल सही है ये भी स्पीड। तो चलिए हम एक और केबल को ट्राई करके देखते हैं कि इनकी स्पीड हमें क्या मिलती है। ओके दोस्तों तो हमने इसे भी अटैच कर लिया है और देखते हैं इनकी स्पीड क्या हमें देखने को मिलती है। तो ये भी केबल बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी आपको 1300 की स्पीड देखने को मिलती है, तो बिल्कुल सही स्पीड हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारे केबल जो है वो बिल्कुल सही है, मगर मेरे पास और भी कई सारे केबल पड़े हैं तो मैं आपको उनको भी लगा कर दिखाऊंगा कि आपको उनमें कितने स्पीड देखने को मिलती है। तो चलिए ट्राई करते हैं, एक एक करके सारे केबल को हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने केबल अटैच कर दिया है और अभी हमें पता चल जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर 600 की स्पीड मिल रही है, जो हमें 1200 की स्पीड मिल रही थी वहां पर हमें 600 की स्पीड देखने को मिलती है। अगर 600 की स्पीड मिलती है तो हमारे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मगर उनसे हमारे मोबाइल की जो चार्जिंग स्पीड है वो बहुत कम होगी और चार्जिंग में ज्यादा वक्त लगेगा, सो ये केबल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और अगर आपके केबल में भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर से जरूर आपको ये केबल चेंज करना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने, हमने कई सारे केबल्स को यहाँ पर ट्राई किया है और कई सारे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। तो कोई केबल अच्छा भी है, कोई केबल एवरेज है, कोई केबल बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से आप अपने पास जितने भी केबल पड़े हैं या फिर आप नए केबल खरीदने जाते हैं तो चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल के लिए कौन सा केबल सही है। तो अगली बार जब भी आप कोई केबल खरीदने जाओ तो जरूर से जरूर आप इस ऐप का इस्तेमाल करके चेक करिए आपके मोबाइल के लिए यह डेटा केबल सही है या फिर नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में जो घंटी है उसको जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।